हेलो जी, कहिए जी। हमने आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। घने बादल घिरे हो तो धूप की बात करना अगर मजाक कहलाएगा तो बहुत ही तकलीफ देह होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त ने हमारे हक में एक करवट ली है। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए रिजा, सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले मशरिक हो या मगरिब, दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर अंधेरे और उजाले से इंसान की वाकफियत ना हो तो वो ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि आगे अंधेरा होगा या उजाला। बस यही हाल हमारा है। मैं अभी भी कुछ नहीं समझी। बस ये समझ लीजिए कि खुदा ने हमारी फरियाद सुन ली। खुदा तो सबकी फरियाद सुनता है। बहुत सही कहा आपने, लेकिन घबराइए मत, बहुत जल्द वो हम पे मेहरबान होगा। मुझे लगता है आप दीवाने हो गए। दीवानेपन का ही दूसरा नाम इश्क है, समझिए आप। लगता है आप आज मजाक के मूड में हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूँ कि वक्त का इंतजार कीजिए, फल मीठा ही होगा। बस एक दो दिन में फोन करता हूँ, फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, तशरीफ लाइए। शुक्रिया। यावरजंग साहब, कैसे जहमत किया आपने। अरे आपने मुझसे कहा होता मैं घर पे आ जाता। आना जाना सिर्फ रस्मन ही नहीं होता जनाब, उसके पीछे जाती गर्ज होती है, मकसद होता है। हमें तो बहुत ताज्जुब हो रहा है यावर साहब कि हमारी हैसियत ही क्या है कि हम आप जैसे बड़े लोगों के काम आ सके। देखिए जनाब, सवाल ना तो छोटे बड़े का है और ना ही हैसियत का। तो फिर क्या सवाल है यावर साहब, जरा खुल के तो बतलाइए। इस वक्त तो आप ही हमारे काम आ सकते हैं, हालात ही कुछ ऐसे हैं। हम तो आपकी बेटी रिधा के लिए अपने छोटे बेटे तहा का रिश्ता लाए। देखिए यावर साहब, हमारे यहां का ये दस्तूर है कि हम मेहमानों को सर आंखों पर बैठाते हैं, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस काबिल भी नहीं हैं कि हमारे घर के फर्श पर बैठ सके। ये आप क्या कह रहे हैं। देखिए यावर साहब, आप बहुत अमीर होंगे और बिरादरी में आपकी बहुत इज्जत होगी, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी नजरों में आप उस भिखारी से भी बदतर हैं जिसके झोली में कुछ डालना मैं अपनी तौहीन समझता हूं। देखिए जनाब, मेरे बारे में आपकी क्या राय है मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता। इतना जरूर कहूंगा कि आप शराफत की हदों को पार कर रहे हैं। वाह यावर मियां, वाह। वो आपके घर का चराग था जिसे अपनी बेटी की निकाह करके मैं अपनी बेटी की जिंदगी रोशन करना चाहता था। हादसा तो हारिस की मुकद्दर में था, लेकिन ये तो सोचिए कि उसकी जिंदगी क्या थी। वो शादीशुदा था, न सिर्फ शादीशुदा था बल्कि एक बच्चे का बाप था। ये किसी शरीफ खानदान की बात नहीं होती। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप एक ऐसी हकीकत से नावाकिफ हैं जो आपकी आंखों के सामने है। क्या मतलब। मतलब ये, माजी एक ऐसी लाश होती है जिसे दफनाना तो दूर, आप उस पर कफन भी नहीं डाल सकते। और माफ कीजिएगा मियां, जो लोग गुजरी बातों के साथ जिंदा रहते हैं ना, उनके ख्यालात भी मर जाते हैं। यही नहीं, वो अपने बच्चों की जिंदगी में खुद आग लगा देते हैं। अब इससे पहले आप मुझे यहां से जाने के लिए कहें, खुदा हाफिज। चलिए बेगम।
भाभी जान, अम्मी अब्बू अभी तक नहीं आए। शादी ब्याह की बात है देवर जी, खाने की दावत पे थोड़ी ना गए हैं वो लोग। लेकिन इतनी देर क्यों लगी उनको? ये सब बातें इत्मीनान से की जाती हैं, इसमें जल्दबाजी से काम नहीं चलता। और फिर एक ही मुलाकात में सब कुछ तेजो करना है। मुस्तफा भाई से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ अबू जान? जो पूछना है अपनी अम्मी जान से ही पूछिए, हमसे मत पूछिए। फिर आप ही बताइए अम्मी, क्या हुआ? होना क्या था बहू, आपके दिल की एक मुराद और पूरी हो गई। अब क्या हुआ अम्मी? आप ज्यादा खुश मत होइए, इस औरत के दिल में इस खानदान के हर इंसान के लिए सिर्फ बद्दुआ है और कुछ नहीं। इसकी वजह से हमारी जो बेइज्जती हुई वो हम कभी नहीं भूल सकते। भिखारी तक कहा गया हमें। तुम्ही ने उकसाया था ना इन्हें वहां जाने के लिए? हमने किसी को उकसाया नहीं, सिर्फ गुजारिश की थी। तुम्हारी गुजारिश का ही ये नतीजा था कि हमें जली कटी सुनकर आना पड़ा। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि रिदा के रिश्ते की बात हारिस के साथ हुई थी। हारिस की बेवक्त मौत ने तुम जैसी कालिख को हमारे खानदान पर थोप दिया। मगर तुम्हारी वजह से जो बेइज्जती हुई है उसका बदला हम तुमसे जरूर लेंगे। तुम्हारी नहुसत की तहरीर बहुत लंबी होती जा रही है। हमें कारोबार भी नुकसान हो जाता है, बर्दाश्त कर लेते। कोई मुसीबत आती उसका सामना भी कर लेते, मगर मुस्तफा भाई का सलूक और ताहा के दिल का टूटना हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा बेटा। जख्म का दर्द कम हो जाए, जख्म भर जाए या अच्छा हो जाए, इसके लिए जख्म देने वाले को भूलना जरूरी होता है। ठीक कह रही हैं। जानती हैं बेगम, हम तो अपने औलाद की खुशियों को चांद सितारों से सजा देना चाहते थे, मगर अफसोस कुदरत ने ऐसा झटका दिया, हमसे हमारा हारिस छीन लिया। और देखो ना, अब मुस्तफा भाई ने हमारी उम्मीदों में आग लगा दी। हमें जलील ही नहीं किया बल्कि ताहा के ख्वाबों की दुनिया उजाड़ दी। आने वाले वक्त के दामन में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता, इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगी कि मायूसियों की बस्तियों में अपना डेरा मत डालिए, वहां से बाहर निकल आइए। नींद अगर दिमागी परेशानी की वजह से उठती है तब सांसें आहों की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और आंसू बर्फ बनकर आंखों में हमेशा हमेशा के लिए बस जाते हैं। पता नहीं ये पैसे वाले और ये नामचीन लोग अपने आप को क्या समझते हैं। उनका ख्याल है कि जो कुछ भी वो कहेंगे वो बात मान ली जाएगी। आपने भी उनके साथ जो सलूक किया वो कोई अच्छा नहीं था। क्या मतलब? इनकार गुस्सा से या चिल्लाकर ही किया जा सकता है, ऐसा कोई उसूल तो है नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? हम लड़की वाले थे और वो लड़के वाले, मसला तो खानदानों के बीच रिश्ते का था जो हमें मंजूर नहीं था। यही बात कहने के और भी तो तरीके हो सकते हैं। जैसे? जैसे हम कह सकते थे कि हम सोचकर जवाब देंगे। लेकिन सोचने की गुंजाइश कहाँ थी? हमारे इरादे तो बिल्कुल साफ थे। मानती हूँ, मगर ये जरूरी नहीं कि अपने इरादे जाहिर करते वक्त हम गुस्सा और इनकार का ही सहारा लें। ये कोई दानिशमंदी नहीं है, और फिर ये हर हाल में तहजीब के खिलाफ है। अच्छा, तो अब आप
हमें तहजीब सिखाएंगी? जी नहीं, मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मगर इतना जरूर कहूंगी कि जिंदगी में कुछ हालात ऐसे होते हैं जब इंसान को अपना दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर दोबारा ऐसे हालात आए तो मैं वही करूंगा, वही कहूंगा जो मैंने अभी किया। और एक बात याद रखिए कि इस घर और इस खानदान के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है, समझिए आप? जी, जो भी आप बेहतर समझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में इस तरह आने की? मेरी हिम्मत पर कुछ रिश्तों की बंदिशें हैं, वरना मैं आपको दिन में तारे दिखा सकता हूं। लगता है तुम अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हो। अगर आप रिदा के वालिद ना होते तो मुझसे बचने के लिए आपको ये कहना पड़ता कि जब आपने मेरे अब्बू की बेइज्जती की थी तब आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अगर याद भी आ जाए तो मेरा नाम अपनी सभा में मत लाइएगा, वरना क्या करोगे तुम? और एक बात गौर से सुन लीजिए कि अपने अब्बू की आन और शान के लिए हम एक रिदा तो क्या, रिदा जैसी हजारों लड़कियां ठुकरा सकते हैं, समझे आप? खुदा हाफिज। सबसे पहले तो आपको मुस्तफा भाईजान के यहां जाना ही नहीं चाहिए था, और बेटे अगर चले भी गए तो इस कदर की बदतमीजी? हमने कोई बदतमीजी नहीं की अब्बू, हमारे अंदर आग लगी हुई थी और आग की वजह उनकी गुस्ताखी जो उन्होंने आपकी शान में की। जवानी के खून में जोश होता है, इस बात का एहसास है हमें बेटे, जिसके तहत आपने ये किया। नहीं नहीं, आपके जज्बे की कदर है हमें बेटे। कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान करना जरूरी नहीं होता। छोड़िए बीती बातों को, वैसे भी माजी के कांटे मुस्तकबिल के फूल नहीं बन सकते। और हमारे ताहा के लिए क्या लड़कियों की कमी है? अरे हम खुद पसंद करेंगे उसके लिए लड़की और अच्छा खानदान। हम नहीं चाहते कि हमारे खानदान की बहू कोई ऐरी गैरी लड़की बने। आप ठीक कह रही हैं अम्मी जान, लेकिन आपकी पसंद, आपकी मर्जी, लड़की की खूबसूरती, उसका खानदान, उसकी सीरत, अदब, तहजीब, तालीम, सब फीका पड़ जाता है एक मोहब्बत के सामने। क्या मतलब है तुम्हारा बहू? बेगम, बहू ने जो कहा वो भी सच है और आपने जो फरमाया वो भी जायज है। माँ बाप अपने औलाद का भला ही सोचते हैं और जो कुछ भी करते हैं उनके भले के लिए ही करते हैं। लेकिन मोहब्बत एक ऐसी शय है जिसके अंदर भला बुरा कुछ नहीं होता। रिश्ता बन जाए तो भला, ना बने तो बुरा ही बुरा। ओफो, ये मोहब्बत की दास्तान कहां से बीच में शुरू हो गई? बात तो रिश्ते की हो रही थी। बेगम, मोहब्बत और रिश्ते का भी एक रिश्ता होता है। कभी मोहब्बत के बाद रिश्ता बनता है और कभी रिश्ता बनने के बाद मोहब्बत परवान चढ़ती है। हमारे मियां हमारी पसंद के दायरे में ही रहेंगे।
क्यों था बेटे? जी अब्बू, लेकिन फिर भी हम एक बात कहना चाहेंगे। क्या? इंसान कुछ भी कर ले, होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। वहीं जोड़ियां बनती हैं, वहीं रिश्तों का फैसला होता है। मगर उसी खुदा ने हमारी मोहब्बत के दरमियान कैसी दीवारें खड़ी कर दी जहां से हम अपनी खुशियां नहीं देख सकते। हेलो अभी, मैं नासिर बोल रहा हूं। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? खुदा का शुक्र है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन भाईजान, आप अपनी जान इस तरह खतरे में क्यों डालते हैं? आपको हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए था। अबीर, अगर उस दिन मैं वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचता ना, तो आज इस वक्त तुम्हारी कब्र पर बैठकर मातम मना रहा होता। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब और मकसद सिर्फ तुम्हारी जिंदगी है अबीर, बाकी जो मकसद है वो हम दोनों के हैं। उस दिन जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा कि तुम्हारी सास वहां पहले से मौजूद थी। तुम शायद सो रही थी, फिर मैंने अचानक देखा कि तुम्हारी सास ने तुम्हारे इंजेक्शन की शीशी बदल दी। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर मैं वहां पर पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने मौका देखते ही वो शीशी बदल दी और वहां से निकल लिया। जानती हो, जब मैंने लैब में वो शीशी भिजवाई टेस्ट के लिए, तो उसका नतीजा क्या निकला? क्या था उस शीशी में? तुम्हारी मौत का सामान, जहर। आपकी नींद का वक्त जा चुका है अम्मी जान। आपकी तमाम तरकीबें, तमाम पैंतरे फेल हो चुके हैं। अब मेरी बारी है, लेकिन मैं धोखे से इंसान पर हमला नहीं करती। उठिए अम्मी जान, आपका दुनिया से उठने का वक्त आ गया है। बहू बेगम, आप इस वक्त, और आप ये क्या बकवास कर रही हैं? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब करने वाली हूँ। क्या? वही जो आप करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई, या फिर ये कहूं कि कोशिश पूरी की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली आपको। देखिए बहू बेगम, आप इस वक्त होश में नहीं हैं। होश में नहीं हूं तो क्या हुआ, जोश में तो हूं, और ये जोश मुझे आपकी हरकतों ने दिलवाया है। जो बोया है उसे काटने के लिए तैयार हो जाइए। आपने तो मेरी पीठ में छोड़ा मारने की कोशिश की, लेकिन मैं आपके लिए सामने से मौत का सामान लेकर आई हूं।